दुर्योधन दुशासन से महलों में आया, आवाज लगाई, भाभी द्रौपदी ने आवाज दी, कौन? अरे भाभी मैं हूं दुशासन। दुशासन क्या बात है भाभी, आपको भैया ने सभा में बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, भरी सभा में एक औरत का क्या काम हो सकता है? तुम्हारे भैया हमें भरी सभा में कभी नहीं बुला सकते। दुशासन बोला, भाभी अगर तू राजी से नहीं जाएगी तो मैं कुराजी से तुझे ले जाना जानता हूं। इतना कह के दुशासन ने आगे बढ़ के मैया द्रौपदी के बाल पकड़ के खींचना शुरू, खींचता हुआ लेकर के सभा के बीच में खड़ा कर दिया। दुर्योधन ठट्टा मार के हंसा। दुर्योधन बोला, दुशासन एक काम करो। बोले हाँ। इसकी साड़ी उतारो, इसे नगिन करके मेरी जंगा पर बिठा दो। और जैसे यह शब्द सुना, द्रौपदी के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सभी के सामने जाकर के द्रौपदी अपने लज्जा की भीख मांगती है। अरे पितामह जी आप ही कुछ कहिए, कृपाचार्य जी आप ही कुछ कहिए, द्रोणाचार्य जी आप ही कुछ कहिए। हेलो हेलो, सभी के सामने जाकर के लज्जा की भीख मांग रही है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। जब कोई नहीं बोला तो द्रौपदी रोई की बोली, एक पति की पत्नी उस पति को अपनी जान से प्यारी होती है, लेकिन मैं पांच पति की पत्नी होते हुए भी आज मेरी लाज जा रही है। और द्रौपदी बोली, एक पति की नारी
पति को देखो लगती प्राण से करके लज्जा की भीख मांग रही है, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा है। ओ भैया, जैसे ही दुशासन ने